स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्य पत्रक नंबर 16 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है, डेट है जिसकी 7 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट 20 मार्क्स की जो वर्कशीट है वो करेंगे। आपको सबसे पहले दे रखा है किसी भी तत्व के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन ना होना संभव है, तो हाँ संभव है। अगर हाँ है तो उस तत्व का नाम लिखिए जिसका परमाणु और परमाणु क्रमांक भी लिखिए। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है, मैं सिंबल ही बताती हूँ, हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं, न्यूट्रॉन जीरो होते हैं। तो ये हमारा हाँ में हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। हाँ, किसी तत्व के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना होना संभव है, वो हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक है उसका एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संभारिक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उन्हें संभारिक कहते हैं। यानी जैसे हम आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और कैल्शियम का 20 है, पर इन दोनों का जो परमाणु इनकी जो वो है वो हमारी 40 होती है। तो आप इसे कर लेंगे, इनका जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है, Ar का और Ca का इसका 18 होता है, एटॉमिक इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, पर इन दोनों का जो परमाणु भार होता है वो 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये दोनों तो सेम है, ये इन दोनों का ये सेम है पर ये डिफरेंट है। अब एक ऐसे तत्व का एक्स जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन है, सही निरूपण कीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता भी लिखिए। तो 15 इलेक्ट्रॉन है, आपको बताया अलग अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो तो एटॉमिक नंबर भी वही होता है, यानी परमाणु क्रमांक भी वही होता है और परमाणु क्रमांक हमारे प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ये हमें पता है। यानी 15 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु क्रमांक भी हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 15 है तो परमाणु क्रमांक भी 15 और परमाणु भार हमारा 15 प्लस 16 यानी जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन के प्लस का होता है, तो परमाणु भार हमारा 31 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5, 2 पहली शेल में, 8 दूसरी शेल में, 5 तीसरी शेल में और 3 और ले लेंगे तो तीसरी शेल हमारी फुल हो जाएगी, तो संयोजकता हमारी संयोजकता इसकी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है समस्थानिक किन्हें कहते हैं, किन्हीं 2 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अभी हमने देखा था परमाणु भार सेम हो पर परमाणु क्रमांक अलग हो तब उन्हें हम संभारिक कहते हैं, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार अलग है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, क्योंकि हमें इसमें उदाहरण के साथ भी देखना है, तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का 1 भी होता है, हाइड्रोजन हमारा 2 वाला भी होता है, हाइड्रोजन 3 वाला भी होता है। हाइड्रोजन 2 को हम डिटेरियम कहते हैं, हाइड्रोजन 3 को डिप्टेरियम कहते हैं, तो ये आप इसे नाम के साथ याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। तो संस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन निर्धारित करते हैं जिसके कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। 5वां प्रश्न है क्या क्लोरीन जो क्लोरीन 17 है और इसका जो भार है परमाणु भार वो 35 है और इसका परमाणु भार 17, इसकी संयोजकता अलग अलग होगी। तो आपको संयोजकता निकालने के लिए आपको पता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तो नहीं होगी, ऑफकोर्स नहीं होगी, क्योंकि हमें इसमें जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो बराबर है, तो नहीं संयोजकता अलग अलग नहीं होगी। तो आप यहाँ पर बस नहीं लिख देंगे, नहीं संयोजकता अलग अलग नहीं होगी इसकी, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है, बराबर है। फिर है बी, इसमें उपस्थित अपरमाणु कणों की संख्या लिखे। तो अपरमाणु कण इसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, तो एक का तो हमारा Cl 35 है और एक का 17, और एक का Cl हमारा 37 है और एक का 17, तो 35 में से 17 माइनस करेंगे और 37 में से 70 माइनस करेंगे, तो इसमें तो आ जाएगा हमारा 20 और इसमें आ जाएगा हमारा 18, तो ये हमारे अब परमाणु कण हो जाएंगे। नेक्स्ट है Al और Cl की परमाणु संख्या
दे रखी है। एल्यूमिनियम की 13 होती है, क्लोरीन की 17। एल्यूमिनियम प्लस 3 है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आप देखिए एल्यूमिनियम, यहाँ पे हमें संयोजकता बतानी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है परमाणु संख्या, और क्लोरीन की हमारी 17 होती है, तो क्लोरीन का यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। अब एल्यूमिनियम प्लस का 3 है, कैसे है प्लस का 3? क्योंकि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो अगर हम इसकी संयोजकता निकालें तो 2, 8 तो हमारा 10 हो गया और बचा 3, तो दो इन्हें मिला के तो 13 ही आएगा, और लास्ट वाली शेल में हमारा 3 बचा, तो ये 3 लूज़ कर देगा। लूज़ करने पे साइन प्लस का आता है। और अगर हम ऐसे ही क्लोरीन का देखें तो इसका हमें निकालना है, क्लोरीन का Cl लिख देते हैं, इसका हमें निकालना है, तो इसका करेंगे तो 2, 8 और 5 यही आएगा, सॉरी 2, 8 और 7 बचा, इसमें एक और लेगा तो इसका पूरा हो जाएगा, क्योंकि 8 हमें पूरे करने होते हैं, एक और लेगा, अब ले रहा है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे क्लोरीन -1 पूरा करके लिखेंगे। फिर आपको बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको बोर का परमाणु मॉडल बना लेंगे, एक गोला बनाएंगे यहाँ पे बीच में सर्कल, फिर एक शेल, 2 शेल 3 शेल और ये 4th शेल, ये पूरा जॉइंट होनी चाहिए। तो ये तो हमारा क्या नाम है, न्यूक्लियस है, और ये हमारी के शेल है, ये हमारी एल शेल है, ये हमारी एम शेल है, और ये हमारी एन शेल है। के 1 भी होती है, एल 2 और ये 3 और ये 4। तो आप इसे कर लेंगे और यहाँ पे इसके नाम और अच्छे से बोर मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु की संरचना के मॉडल के संबंध में उठी आपत्तियों के दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणु संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुछ निश्चित कक्षाएँ जिन्हें विद्युत कक्षा कहते हैं परमाणु के अंदर होती है। जब इलेक्ट्रॉन विद्युत कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जो नीचे चित्र में दिए गए हैं। तो आपने वो चित्र मैंने बना दिया। कक्ष के में 1 होते हैं, कक्ष एल में 2 होते हैं, कक्ष में 3 होते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, 2n का स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं? तो आखिरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी आपको पता है जो आखिरी कक्ष होगा वही तो हमारा संयोजकता करता है, तो इसे हम संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।